हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करते हैं पुरुषों की तकलीफ, प्रोस्टेट, गुदूद का बढ़ना। ये तकलीफ पुरुषों में ही पाई जाती है। पेट के निचले के हिस्से, मूत्र नली और शौच के बीच में जो ग्रंथि होती है, अखरोट जैसी होती है, इसको प्रोस्टेट बोलते हैं। बढ़ती उम्र के कारण, सेक्स कम करने के कारण बहुत लोगों में ये बढ़ जाती है। स्पेशली एशियन लोगों में तो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ये गृहस्थ जीवन में फंस जाते हैं, पारिवारिक जीवन में, और सेक्स करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसका कारण सबसे बड़ा है प्रोस्टेट का बढ़ना। कई बार ये इन्फेक्शन से भी बढ़ जाती है, कई दफ़ा ये कैंसर से भी बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा 90% लोगों में ये यौन जीवन में कमी आने के कारण ये बढ़ जाती है। इसका हम देसी दवाइयों से इलाज करते हैं, जिनका कोई बुरा प्रभाव नहीं। दवाई परखी हुई है, 55 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाई है, इवन इसमें कोई भी एलिमेंट भी नहीं, कोई लोह भस्म है, कोई सोना भस्म है, ऐसा कुछ भी नहीं डाला गया जो आपकी सेहत को ख़राब करे या साइड इफ़ेक्ट हो। दिल, दिमाग, जिगर, मसाने के ऊपर कोई ख़राब असर नहीं होता इसका। बड़ी अच्छी दवाई है और सस्ती दवाई है। अब जब चाहें ये दवाई मंगवा सकते हैं, बिना ऑपरेशन के, बिना साइड इफ़ेक्ट के ये पुरुषों को, गुदूद को ठीक कर देती है। आम गुदूद का साइज 16 से 18 ग्राम होता है। जिन पुरुषों का गुदूद का साइज बढ़ जाता है, उनका पेशाब रुक रुक के आता है, जलन के साथ आता है, सेक्स जीवन में भी कमी आती है, करते हैं तो डिस्चार्ज सही नहीं होते, इससे छुटकारा पाने के लिए, बिना ऑपरेशन इलाज के लिए आप हमारी दवाई लीजिए, सस्ते हैं। इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए और घर बैठे दवाई मंगवाइए, कोई भी दिक्कत नहीं, 4 दिन में दवाई आपको मिल जाती है। नमस्कार।